un Pierre, Paul, un Jacques, au Tom. I think we should start now, shall we? Good evening, doesn't matter where you are living in this world, I hope you're having a beautiful, fantastic and amazing day. Time abhi ho raha hai 7:10. Main aadha ghante pehle utha tha, lekin maine socha ki pehle zara munh ki sojan zara khatam ho jaye, phir camera ke samne aaunga. You know, handsome look aani chahiye bande pe. And title to aap logon ne padh liya hoga ki aaj hum kya karne wale hain, matlab kis cheez pe baat karne wale hain. So, yep, we are going to talk about something special. And you know what is this? Lint remover. It's amazing. Oh, so, chalte hain phir bahir. Pehli cheez. फिटनेस फ्रीक मैं बचपन से ही था. 9th क्लास में मैंने जिम ज्वाइन कर ली थी और गोल सिर्फ एक था कि अपने आप को हमेशा फिट रखना है. तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ चलती थी, मतलब वॉक, रनिंग, उसके बाद जिम, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मेरी बहुत ज़्यादा थी. लेकिन चाइना में आकर दो तीन चीज़ें एडअप हुई हैं, लाइक सुबह 5 और 6 बजे तक उठना, कभी ट्रैवलिंग के लिए, कभी क्लास के लिए, कभी इधर कभी उधर. लुक एट दिस गाइस, वो बंदा खड़ा है, शैडो बॉक्सिंग कर रहा है. वो सिर्फ लोग हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सारे वहाँ पे. मतलब जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, सुबह सुबह सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, 60 ईयर्स ओल्ड 70 ईयर्स ओल्ड 80 ईयर्स ओल्ड रोज़ वर्जिश करते हैं यहाँ पर आकर. तो इस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया था कि यार अगर ये कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए. तो ये चीज़ जो थी ना, ये एक एडअप हुई है चीज़ मुझ में. वो बंदे कह रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको. Look at their age. 70 years, might be 70 years, 60 years. वो सारे वहाँ पर. आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ तो इसलिए लोग थोड़े से कम हैं. शॉर्ट ये कि फिटनेस और एक्सरसाइज कभी रुकती नहीं है. मतलब एट अ टाइम या तो जिम होगी, अगर जिम नहीं है तो सुबह या शाम के टाइम रनिंग होगी. अगर ये दोनों नहीं है तो अपनी BMW किस लिए है, रोज़ के 10 या 12 किलोमीटर आराम से फ्लैट. वैसे तो यार डॉक्टर्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर होने के साथ साथ फिज़िकली बहुत फिट हो और आपकी पर्सनैलिटी इज़ लाइक सेक्सी लाइक पेप्सी, OMG, तो यार बस बंदे की पर्सनैलिटी भी मेरे ख्याल से अच्छी होनी चाहिए डॉक्टर होने के साथ साथ. आपको शायद उस बंदे का बताओ, हिज नेम इज़ डॉक्टर माइक एंड ही इज़ फ्राम यूनाइटेड स्टेट्स. वो बंदा दुनिया का हैंडसम तरीन डॉक्टर है और उसकी पर्सनैलिटी आप लोग चेक करना लाजमी. Dr. Mike. यार जैसा कि आपको पता होगा कि चाइना में लाइफ बहुत फास्ट है. अगर तो आप स्टूडेंट हो यहाँ पे, आपने सुबह 5-6 बजे उठना है और क्लास के लिए निकल पड़ना है. खाने का सामान आपके हाथ में होगा, या तो आपने रास्ते में खाना है या आपने
क्लास जाकर खाना है. एंड सेम गोज़ फॉर एम्प्लॉयज़. तो लोग जॉब करते हैं, सुबह 5-6 बजे उठते हैं, बैग पकड़ते हैं, तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं. कोई बंदा अपनी स्कूटी पे खा रहा होता है, कोई बंदा सफ़े पे खा रहा होता है, कोई कार में बैठ कर खा रहा होता है. तो बस दुनिया चल रही है और सुबह का नाश्ता जो है बस चलते फिरते हुए हो रहा है. और फिर हम भी यहीं पर रह रहे हैं, उनको देख देख कर फिर हम भी दुनिया की दौड़ में शामिल हो चुके हैं. और अभी आपको पता है फिर मुझे कहाँ जाना है. तो फिर मिलते हैं शाम. सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है. आई जस्ट मेड इट होम और अभी टाइम है 7:10. तो सुबह हमने दो चीज़ों पर बात कर ली थी. नाउ वी आर गोइंग आउटसाइड एंड जो बाकी चीज़ें रहती हैं उन पर बात करते हैं. वेयर इज़ माय जैकेट. आप लोगों ने शायद एक बात नोट की है, वो ये कि चाइनीज़ लोग बहुत हेल्दी होते हैं और स्मार्ट होते हैं. और दूसरी बात कि उनकी एज 50 होगी, 60 होगी, 65 होगी, लेकिन वो लगेंगे सिर्फ 25 के, 30 के या 35 के. वो किस लिए? एक तो यार ये एक्सरसाइज बहुत करते हैं जो मैंने पहले बताया, एक बात. दूसरी बात, गर्म पानी तो बहुत पीते हैं, ग्रीन टी बहुत पीते हैं. और तीसरी बात, हेल्दी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली बॉइल्ड वेजिटेबल्स. तो असर तो फिर पड़ना ही था. सो नंबर 3 गोज़ फॉर हेल्दी फूड. और बॉइल्ड फूड भी मेरे ख्याल से हेल्दी फूड में आ जाती है. तो ये तो सिर्फ हमें लगता है कि चाइनीज़ लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं, पोर्क खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, वो बात भी सच है. लेकिन पार्ट ऑफ दैट इनकी हेल्दी फूड बहुत अच्छी है. फ्रूट्स खाते हैं, वेज खाते हैं और अपने आप को हमेशा फिट रखने की कोशिश करते हैं. फिटनेस फ्रीक बहुत ज़्यादा हैं लोग, तो इसलिए हियर वी गो. और चौथी बात, अगर आप चाइना में हो और आप चॉपस्टिक यूज़ नहीं कर सकते तो आपका चाइना में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है. क्योंकि हर रेस्टोरेंट में आपको स्पून नहीं मिलेगा, आपको चॉपस्टिक यूज़ करना सीखना पड़ेगा. अब वो बात अलग है कि हमें नहीं पता कि चॉपस्टिक कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन पकड़ पकड़ के यूज़ कर कर के बस यूज़ करना आ गया मुझे, लाइक दिस. तो इनके साथ रह रह कर ये चीज़ें हम में भी आना शुरू हो गई हैं. एंड पांचवा नंबर है जनाब, चाइना इज़ बियॉन्ड कैशलेस कंट्री. पता होगा आपको. और चाइना इज़ बियॉन्ड कैशलेस कंट्री इटसेल्फ एक टॉपिक है, इस पर फिर कभी मैं व्लॉग बनाऊंगा. लेकिन अभी हम चलते हैं सुपरमार्केट. ना भैया ओके. इनफैक्ट आपने कुछ भी लेना है, आप उनको अपना QR कोड दिखाओ या आप उनको स्कैन करो तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी. तेज़मा चीज़ एक की हो, एक लाख की हो, चाइना में कहीं भी जाओ, छोटी शॉप बड़ी शॉप, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो. आपको कैश रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. एंड दिस वन इज़ अमेजिंग वन आई गेस. तो चाइना में रहते हुए हम कैश रखना तो भूल ही गए हैं टोटली. आप कहते हो कैश तो हम रखते ही नहीं हैं बिल्कुल भी. कभी कभी जैसे मैंने कल बताया था कि अगर आपने बस पर ट्रैवल करना है तो आपको छुट्टे पैसे ही होते हैं, लेकिन उसके लिए भी कार्ड होता है. तो कार्ड बनवाने के लिए आपको बड़ी ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, तो वो हमने कभी की नहीं. तो हम फिर छुट्टे पैसे डालना पसंद करते हैं. यार सुपर मार्केट में मैं थोड़ा सा ऑफ था क्योंकि उनकी मैनेजमेंट ने मुझे बुला कर बोला कि भाई आप कैमरा यूज़ नहीं कर सकते. तो फिर इसलिए अंदर की फोटेज मैंने कोई भी नहीं बनाई. जैसे ही मैं काउंटर पे आया, मैंने पैसे पे किए, तो मैंने सीक्रेटली कैमरा ऑन कर लिया. और फिर जब मैं बाहर निकला तब मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया. लेकिन खैर बड़े बड़े मुल्कों में तो छोटी छोटी बातें फिर होती रहती हैं ना. चलता है, कोई बात नहीं. एंड हियर वी गो विद नंबर 6. एज यू माइट नो, बाहर शिद्दत की गर्मी है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है. चाइनीज़ लोगों ने गर्म पानी और ग्रीन टी नहीं छोड़नी. सर्दी है, गर्मी है, सुबह शाम दिन रात इधर उधर सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कहीं भी हैं, यह चीज़ उनकी फेवरेट है. तो भाई फिर उनको देखकर ये चीज़ हमने भी ज़रा अडॉप्ट कर ली है.
तो आप ये कह सकते हो कि इनके अंदर जो भी चीज़ें थी अच्छी वाली उनमें से कुछ मैंने अडॉप्ट कर ली हैं और कुछ चीज़ें मेरे में पहले थी लेकिन यहाँ पर आकर मैंने ग्रूम कर ली हैं। और भी काफ़ी चीज़ें में बहुत अच्छी हैं, लाइक ये लोग डिसिप्लिन है और इनके अंदर पंक्चुअलिटी तो कूट कूट के भरी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि ये अपने काम से काम रखते हैं, कभी किसी की लेग पुलिंग नहीं करते, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, दे डोंट केयर। अपने काम से काम, जो काम वो कर रहे हैं उसके साथ वो सिंसेयर हैं। कोई बड़ा काम है, कोई छोटा काम है, कोई मैनेजर है, कोई स्वीपर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिंसेयर है अपने काम से और चिल हो के अपना काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें भी बस ये देखना चाहिए कि किस इंसान के अंदर या किस चीज़ के अंदर क्या चीज़ बहुत अच्छी है जिससे हमें भी फ़ायदा हो सकता है, तो हम भी वो चीज़ अडॉप्ट कर लें। तो मैंने भी चीज़ देखी है कि इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है और ये चीज़ हेल्दी है और ये चीज़ अच्छी है, तो व्हाई नॉट आई शुड ट्राई दिस। तो इसलिए एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक भी था जैसा कि आपको पता लग गया होगा मेरी शक्ल से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इंशाल्लाह एज़ ऑलवेज़ आई विल कैच यू गाइस टुमारो विद नेक्स्ट व्लॉग।